पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, सभी का आभार। बताते चलें कि रेवसा गांधी क्षेत्र के क्रय केंद्रों पर, गन्ना क्रय केंद्रों पर अभी तक जो है कोई अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं है, जहां पे इस सुबह शाम की कड़ाके की हाड़ कबोर ठंडक में किसानों को लेकर गन्ना लेकर आना पड़ता है और यहाँ पे जो है रात उनको गुजारनी पड़ती है इस कड़ाके की ठंड में। लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं और अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि करीब गांधी क्षेत्र में एक दर्जन से ऊपर बिस्मा और महमदाबाद चीनी मिल के क्रय केंद्र गन्ना के खुले हुए हैं, संचालित हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जहां एक तरफ योगी सरकार और केंद्र के मुखिया जो है ठंडक में जो है अलाव की समुचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दे रखे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं की गई। लेकिन वहीं जब महमदाबाद सीसीओ से बात की गई जिम्मेदारों से, तो उन्होंने कहा कि सुबह सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त होने तक ही हमारी तौल होती है, लेकिन फिर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। पर चल गए हो तू, आपका सब करना भाई माहौल अब लड़का को करना उठाए सर इस तरह है पांच उतर के रखो तब आप पाता हूं बाबा का पियो 33 किलो रहा पानी बरसा और बहन गई। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे और ना क्रय केंद्र है ये अक्षोहा के पास बानगी के तौर पर, और यहाँ पे कोई भी जो है कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना कांटे पर वजन करके 50 किलो हर ट्राली पर लेते हैं। कौन ए बाबू का नाम है? बाबू श्रीवास्तव घटतौली होती है। कितना लेते हैं? 50 किलो चिल्ला करके लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम 50 किलो लेंगे तब तो लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं। क्या नाम है बाबू का? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव नहीं, खा नाम बताओ और कुछ। नाम यार भूल गया। कौन बाबू हैं? श्रीवास्तव बाबू। बाबू हैं, आए कि नहीं? बाबू आए हैं। कहाँ हैं? ये हैं। कहाँ हैं? चलो सामने कहो, चलो कौन बाबू हैं। यहाँ पे एक बात और उभर के आई है जो कह रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? पुतान। कौन बाबू? अपन अपन समस्या बतावत जाओ सब जने। क्यों यहाँ पे 50 किलो लिया जाता है ये पुतान जी बता रहे हैं? हाँ हर गाड़ी पर 50 किलो लिया जाते हैं। हैं? हर गाड़ी पर 50 किलो। कौन लेता है? बाबू। कौन बाबू, नाम बताओ। कहाँ है वो? वो यहाँ पर है, वो खड़े हैं। क्यों बाबू? बाबू से हम बात करेंगे यहाँ पे जो तौल हैं गन्ना क्रय केंद्र के। ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 50 किलो लिया जाता है, क्या ये बात हकीकत है? हम तो अपने आप नहीं ली। आप बाबू हैं इस कांटे के? अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश श्रीवास्तव। लेकिन जो ये कह रहे हैं आप, आओ सामने आओ। 50 किलो लेते हो, क्यों नहीं कहते हो? कहो ना। 50 किलो गाड़ी पर, हर गाड़ी पर काहे लेते हो? आप लोग नहीं कराते हैं। काहे ना खलिया करे, खलिया बराबर करे तब हूँ काहे काटोगे? झाएं आए हैं, झाएं ना बतावा करो। ये कंक्रीट ना है, 2 क्विंटल गन्ना कम पर है धर्म काटा से तुमका मालूम है कुछ यार? तो रास्ते में है, गाड़ी तो किराए रहे हो, गन्ना कितना है, कैसे कहाँ रास्ते में गिरा थे? कौन ये बाबू और ये किसान हैं, 50 किलो गन्ना काटेंगे जरूर। ये नोकझोंक हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये गन्ना क्रय केंद्र महमूदाबाद का है, ये अक्षोहा बिस्मा रोड पे स्थित है। ये कौन सा कट्टा है? महमूदाबाद सेंटर। अच्छा अच्छा, वो ये बाबूजी से बात हुई यहाँ पे, इन्होंने अपनी सफाई दी और ये किसान हैं। कितने दिनों से ऐसा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कम से कम
दस दिन हो गए। दस दिन से मतलब कांटे से तौला के लाई जाती है ट्राली, तौला करके लाई जाती है। अगर जो गन्ना होता है मान लीजिए 55-50 तो 50 किलो हटा देते हैं, 55 लिखते हैं, 55 लिखते हैं। नहीं तो जब यहाँ कांटा लगा है तो फिर अदर जगह से क्यों तौला के लाई जाती है? अदर घर से नहीं लाती, लाई जाती है। यहाँ जो तौला जाता है तब 50 किलो काटते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब सेंटर पे जो तौला जाता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये क्रय केंद्र है रेवसा का और महमूदाबाद का सेंटर है चीनी मिल, जहाँ पे ये आज ये किसान खड़े हैं। और वास्तव में एक बात उभर के आई, काफ़ी चर्चा का विषय बनी, और ये आमने सामने बाबू मिथिलेश श्रीवास्तव और ये किसान की आमने सामने बात हुई नोकझोंक तौल को लेकर के। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। और ये बाबूजी हैं मिथिलेश कुमार, जिनसे अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखेंगे वार्ता की, और उन्होंने अपनी की, और आमने सामने किसान मुंह पे कह रहा है उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी दबंगई यहाँ पर, और यहाँ पर एक बात और उभर के आई, क्योंकि दलालों का भी बोलबाला यहाँ दबी जुबान से लोगों से कहा जा रहा है। घरतौली की तो कोई बात ही नहीं, कितना चरम सीमा पर है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से किसान और बाबू की नोकझोंक हो रही है।